लेफ्ट क्लिप पे ऊपर नीचे सीप है, मुझे आग छोड़ रहा है काफी भाई, बड़ी बड़ी आगे छोड़ रहा है। अच्छा ये इसी का टाइप था, वो आग के साथ फायर बॉल भी छोड़ रहा है। कूल कूल कूल, खतरनाक, मतलब एक आग के साथ तीन तीन फायर बॉल छोड़ रहा है ये काफी ओपी अटैक लगा यार मेरे को, देखो। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सब का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मेगा मॉडेड सीरीज का। और गाइस आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में हम लोग ने गाइस एक फ्लेम ड्रेक फ्लेम वाला ड्रैगन टेम करा था, एंड गाइस उसके बाद मुझे अभी तक के सबसे ज्यादा ओपी वाले अंडे जो है ना गाइस वो यहाँ पे मिले थे। हम लोग ने जो है ना प्राइम शॉक वाला जो गाइस यहाँ पे इंडोमेस सुरेक्स होता है ना गाइस, उसका अंडा गाइस यहाँ पे ढूंढा था, और वो अंडा ढूंढा नहीं था, उस बॉस को मार के उसका अंडा लिया था हमने, चुराया था। और गाइस ये अंडा जो है ना गाइस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमको मिल गया तो हम भाई काफी ज्यादा खुश है अभी फिलहाल के लिए तो। और गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग वैसे उन अंडों को हैच नहीं करने वाले, उन अंडों को मैं कल वाले एपिसोड आज करूंगा। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो ना गाइस मचाने वाले फुल टू दबाई गाइस, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जाके खतरनाक से और डायनोस को टेम करने वाले। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले और डायनो की टेमिंग चालू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एंडी और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। और गाइस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का एपिसोड करते बिना किसी देरी के शुरू, और जो मेरे पास अंडे है सबसे पहले मेरे को उन अंडों को यहाँ पे हैच करने के लिए डालने दो गाइस, ठीक है, मैं अंडों को हैच करने के लिए डाल दूंगा भाई यहाँ पे। इसके अंदर एलिमेंट तो है भाई, सही है। चलो तो गाइस अपन को एक खतरनाक सा बॉस किलर इंडोमेस रेक्स और प्राइम वाले इंडोमेस रेक्स का अंडा मिला है गाइस, ठीक है, ये लो। और गाइस अंडे हैच हो रहे हैं ना भाई, अंडे हैच तो हो रहे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंडे कितने ज़्यादा रह रहे हैं। मैं अगर अभी यहाँ पे जाके प्राइम सर्च करूँ ना तो मुझे प्राइम वाले ना कुछ लिमिटेड डायनोज ही दिखाई देंगे गाइस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे सर्च कर लेते प्राइम, प्राइम वाले प्राइम शॉक स्पाइनोसॉरस भी है, मजाक, एक मिनट रुक जाओ, भाई 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 स्पाइनो फ्लेम वाला स्पाइनो है क्या, अल्फा प्राइम अल्फा स्पाइनोसॉरस है, प्राइम स्नो भी है, शॉक वाला भी है, शॉक वाला ले ले क्या गाइस, मुझे स्पाइनो चाहिए था आपको बताया, लेकिन फ्लेम चाहिए, लेकिन फ्लेम वाला ही नहीं है, अल्फा है, लेकिन अल्फा वाले को मैंने ट्राई तो मारा था, बट देखते चलो। 38-40 फीमेल मिल जाएगी यहाँ पे मुझे 38-40 पे, एंड 23 and 24। चलो गाइज अल्फा वाले जो ना स्पाइनो का सीधा अंडा चुरा के लेके आते हैं, ठीक है। हाँ उसके लिए मुझे शॉक वाले डोडो रिक्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो उनको जो ना गाइज मैं हैच भी कर लूँगा डायरेक्टली, ठीक है। मेरा अल्फा वाला ग्रिफिन कहाँ पे, ये अल्फा किंग रहा। चलो मुझे जाना है सीधा स्पाइनो वैली, मुझे बताया गाइस कि स्पाइनो कहाँ पे मिलेंगे, एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे स्पाइनो हमको मिल सकते हैं, वो है गाइस स्पाइनो वैली। तो सीधा मैं उड़ उड़ के जा रहा हूँ गाइस जहाँ पे स्पाइनो वैली में, तबाही मचा डालेंगे भाई, डरते है क्या भाई, डरते है क्या, चलो लेट्स गो। हेलो भाई फ्रेंड सर कैसे हो भाई, तबाही मचा डालेंगे भाई एकदम फुल, ये लो। चलो कितना दूर जाना है और, ओके यहीं पे जाना है, आराम से पट्ट से हेडशॉट भाई, ठीक है। ग्रिफिन शिपिन बाहर में, ओ बॉस है नीचे, संभल के बाबा, ठीक है। स्पाइनो वैली में मुझे अल्फा स्पाइनो को ढूंढना है, और अल्फा स्पाइनो का अंडा जैसे मिलेगा घर पे लेके जाऊंगा, उसको हैच करूंगा और अल्फा वाला स्पाइनो निकालूंगा उसके अंदर से। फ्लेम वाला कल मिल सकता था यार, मैंने भाई त्यागिरी कर दी भाई, समझ रहे हो, फ्लेम वाला मिल सकता था, मैंने शॉक वाले डोडो रिक्शे से उसको नहीं निकाला भाई। रुको कितना 38-40, अरे यार ये कहाँ पे लोकेशन है इसके, 38-40 ना, अच्छा ये तो भाई आगे 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 जाना है हमको, आगे जाना है, आगे जाना है, 38-40 पे जाना है। अरे म्यूजिक सीजिक कहाँ बजा रहे हो, हाँ 38-40 बस यहीं पे पानी में, हाँ मेरी ओ शिट, इनको कोपचे में से मारना पड़ेगा क्योंकि इस बॉस से अगर पंगा होया तो भाई लपड़ी हो जाएगा ये, देखते चलो देखते क्या कर सकते अपन, कोशिश करूँगा उनका अंडा चुराने की, मैं बोल नहीं सकते कि अंडा ले पाएंगे, वहाँ पे जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत देगा हमको,
ठीक है, फीमेल को इधर ले, फीमेल को इधर ले, फीमेल को, फीमेल को कोने में ले क्या, कोने में ले क्या उसको, कोने में ले क्या, इधर आ, इधर आ, आ कोने में आ जा, कुछ में कुछ में। चालो भाई काम 25 अपना चालो, टाइम तो लगेगा मेरे को बताया इसको मारने में भाई, बहुत ज़्यादा मेरे डैमेज तो काफ़ी कम पड़ रहा है इसके ऊपर। रुको गेम काउस कम कर लेता हूँ, ऊपर से मार भी बहुत गंदा रही है यार, मार भी बहुत गंदा रहे भाई ये लोग, मेरा डैमेज भी बहुत कम पड़ रहा है इनके ऊपर। इंडो में सर एक्स पे जितना डैमेज पड़ रहा था ना उससे भी कम डैमेज इसके ऊपर पड़ रहा है, 36,000 डैमेज हो गई। कौन लाड़ में आ रहा है क्या, बिजली के झटके दे के चेप डालूंगा बेटा, लाड़ में नहीं आ रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बॉस से फाइट ले रहा हूँ यहाँ पे। देखना कैसे इसकी हेल्थ कैसे कम हुए जा रही है, बट गाइस अंडा मिलने का 100% चांसेस खाली हमको किससे होते हैं, इसी डोडोरेक्स से। सो गाइस हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये मेल मार रहा है फीमेल मार रहा है, फीमेल ही है ना, अरे तू मेल है या फीमेल है बाबा, फीमेल लग रहा है। 17, 16, 15 यार इससे अच्छा तो लाइट बिजली के झटके दे दो इसको भाई। 10% का इसकी हेल्थ डाउन हो चुकी है और मुझे इसकी हेल्थ डाउन होने करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। मेरे पास सीलिंग पोशन 27 बचे हुए खाली, और अपने पास जो है ना गाइस यहाँ पे हीलिंग पोशन जो है ना बनाने के लिए कोई भी जो है ना गाइस मेटल विटल नहीं है अभी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलो गाइस इसकी हेल्थ जो है ना गाइस मैं लो करता हूँ, देखता हूँ गाइस कि मुझे एकदम लो हेल्थ हो जाएगी ना तब आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। देखता हूँ मुझे इसका अंडा मिलता है कि नहीं, रुको। A few moments later. गाइस मेरे हिसाब से मुझे प्लान बी यहाँ पे यूज करना चाहिए, प्लान बी क्या बताया अपना, रुको दिखाता हूँ आपको प्लान बी क्या है मेरा। यार ऐसे तो भाई 7 जन्म लग जाए इन लोग को प्लान बी, अरे ये ब्लीडिंग अटैक देता है ना, लेकिन ये ब्लीडिंग अटैक देता है यार। प्लान बी ये था सिंपली कि मैं किसी जो है ना गाइस यहाँ पे खतरनाक से अपने हाई डैमेज देने वाले डायनो को बाहर निकालूं और उससे इनकी बैंड बजा डालूं, और जब ये मरने वाले होंगे तब डोडोरेक्सी से इनको मारूं। बट उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये ब्लीडिंग का अगर अटैक पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस। ब्लीडिंग अटैक से क्या होता है, डायनो की परसेंटेज में हेल्थ डाउन होना चालू हो जाती है और उसमें डायरेक्टली इन लोग की भुर्जी भी बन सकती है। देखते अभी गाइस थोड़ा सा नहीं यार 10 मिनट तक मेरे को लगेंगे कम से कम गाइस इन लोग को मारने के लिए खाली, 10 मिनट गाइस, ठीक है कम से कम 10 मिनट लगेंगे भाई। यार इन्होंने मेरे को ऊपर से भाई कोने में डाल दिया यार, उपचेवाड़ी में डाल दिया। अबे यार लाइटनिंग छोड़ रहा है कि नहीं, लाइटनिंग छोड़ने नहीं दे रहे मेरे को, हवा में उठा रखा है मेरे को। अभी बोलो मुझे लाइटनिंग क्यों नहीं मैं छोड़ पा रहा हूँ, हवा में उठा रखा, हवा में उठाओगे बेच यार, हवा में उठाओगे, पानी में ना लेके चले जाए यार, पानी में ना लेके चले जाए, भले कोने में लेके चले इधर कहीं पे, पानी में ना जाना है मेरे को, पानी में नहीं जाना है, ठीक है भाई। मैंने लगभग आप बोल सकते हो 30% इसकी हेल्थ डाउन कर ली है, ठीक है, और 30% हेल्थ डाउन करना बाकी है, और वही काम अभी तुम्हारा भाई गाइस यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलो देखते गाइस क्या होता है, अबे वो अटैक नहीं करना, लाइटिंग ही देते, लाइटिंग इज अ बेस्ट अटैक ब्रो, लाइटिंग अपना बेस्ट अटैक है और उसी से गाइस यहाँ पे इसकी बैंड बजेगी। अबे तू आग का है छोड़ रहा है, लाइटिंग छोड़ना खाली, ठीक है। मेरे पास हीलिंग पोशन भी ज़्यादा नहीं बचे, 22 हीलिंग पोशन बचे खाली, और इसकी 85 मिलियन नहीं कितनी बची है, 74 मिलियन और हेल्थ बची है, ठीक है। देखते चलो क्या हो पता है, देखते चलो गाइस 72 मिलियन, ओके लेट्स गो, 71 मिलियन, ओके 70 मिलियन, बाप रे 11 मिलियन हेल्थ डाउन हो रही है खाली यार, 11 मिलियन, ठीक है। देखते चलो गाइस आधे हेल्थ तो डाउन हो गई गाइस, आधे हेल्थ तो डाउन कर लिया अपन लोग ने, हाफ हेल्थ तो डाउन कर ली गाइस इसकी, देखते अभी और हाफ हेल्थ डाउन करने के लिए कितना टाइम लगता है। 3 days later फाइनली गाइस 17 मिलियन तक गाइस इसकी हेल्थ जो है ना गाइस वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ मैं, और भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉस है, ऐसा लग रहा है बड़ी सी कोई बॉस फाइट ही ले रहा होगा इसमें यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इस पाइनो को मारने के लिए। अगर इससे मुझे अंडा नहीं मिला ना भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा गाइस मेरे को, मुझे अंडा मिलना चाहिए भाई किसी भी कीमत पे, नहीं मिला तो भाई बहुत बुरा लगेगा मुझे। चलते देखते गाइस 11 मिलियन हेल्थ बची हुई है, ठीक है ये डाल दिया एक और अटैक, 10 मिलियन बच गई, ये डाल दिया गाइस एक और अटैक, अभी बच गई गाइस यहाँ पे 9.4 मिलियन समथिंग कुछ, ये डाल दिया एक और अटैक, कमॉन 8 मिलियन लेट्स गो बॉयज,
होने वाला है गाइस, होने वाले मरने वाला है गाइस, 7 मिलियन। और भाई अभी कितनी बची, भाई 6 मिलियन शायद से 6 मिलियन बची होगी। हाँ 6 मिलियन बची है। अरे मेल हटना भेज गया तू, तू क्यों पीछे में आ रहा है भाई। 5 मिलियन, 4 मिलियन, ठीक है गाइस, 3 मिलियन, नहीं 4 मिलियन, अच्छा 3 मिलियन हो गया, ठीक है 2 मिलियन, ठीक है ऑल राइट 2 मिलियन। एल तो मैं बाइट अटैक से मारूंगा इसको, एंड में बाइट अटैक से मार रहा था कि अंडा मिल सके अपन को। लेट सी, देखते क्या होता है। अंडा प्लीज मिल जाए, अंडा मिल गया फाइनली बेटा। रुक रुक रुक, तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, रुक जा बेस क्या, तेरे लिए एक सरप्राइज है। पप्पा का माल समझ रखा है, क्या कर रहा है ये। अरे बावड़ा बिवड़ा हो गया क्या, बाइट अटैक कर लेना क्या, वो क्या चिल्ला रहा है, मार उसको। भाई बहुत गंदी बैटल, बहुत ज़्यादा गंदा फाइट हुआ यार भाई, बहुत टाइम लग गया लिटरली गाइस, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया भाई, लेकिन मिल गया अल्फा रेक्स खंडा। अबे तेरे को कौन मारने आ गया उधर बाबा, इसको मारने से क्या मिला मेरे को वैसे कुछ भाई, डायनोस के सैडल बिडल मिला है। पिराना वहाँ पे उसको, हाँ ले एक्सप्लोजिव पिराना, तू भी मार ले भाई, हैं तू भी मार ले भाई, क्या बताए। लेकिन अंडा मिल गया चलो, और मेरा हमारा जो शॉक वाला डूडोरेक्स है उसके पास मैंने ट्रैकर डाल रखा है, तो उसको वापस बुला लूँगा मैं। हाँ भाई साहब बहुत लंबी फाइट चली यार, मैं थक गया भाई पूरा भाई, क्या खतरनाक फाइट थी भाई, एकदम डेंजरस गाइस, वेरी वेरी डेंजरस। रुको सामान डालने दो भाई, इतना ज़्यादा जो ना गाइस, मैंने किसी बॉस को मारने में टाइम नहीं लिया जितना एक स्पाइनो को मारने में मुझे टाइम लगा है। शॉक वाले उसको बुला लूँ मैं यार घर पे, रुको शॉक डोडो रिक्शे आ जा भाई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, हाँ मिली तो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ले अपने इन्वेंट्री में। लेकिन मजा आ गया गाइस, अंडा तो सॉलिड मिला है। अगर इतना ज़्यादा मारने के बाद अगर ये डोडो रेक्स नल्ला निकला ना, डोडो रेक्स नहीं सॉरी, अगर ये स्पाइनो नल्ला निकला ना भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो कोई अंडे को बाहर निकाल के डाल देता हूँ यहाँ पे। बहुत मुश्किल से अंडा मिला है, 3750 लेवल का अंडा है, उठा लिया लकीली इसने तुरंत ही, ठीक है गाइस। अब इसके हैच होने का इंतजार करते हैं, जैसे ही हैच होगा उसके बाद देखते हैं कि स्पाइनोसॉरस कितना ज़्यादा खतरनाक वाला है। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार इस अंडे को हासिल करने में। The next day. फाइनली गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतजार करने के बाद अल्फा स्पाइनो का अंडा यहाँ पे 99% इनक्यूबेट हो चुका है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता और देखता हूँ कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। कमॉन ओए दिखने में तो काफ़ी ओपी है, 400 लेवल, क्या चोमू बना रहे यार ये लोग, 400 लेवल खाली, मैंने आधे घंटे से भी ज़्यादा मेहनत करी है भाई वहाँ पे। तुम्हें ऐसा भाई क्या बोलूँ मैं, भगवान कंट्रोल कंट्रोल भाई, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी हो, मुझे क्या मिलता है एंड में, ये अल्फा स्पाइनो 400 लेवल का। अरे 800 लेवल का देते मेरे को बुरा नहीं लगता, 400 लेवल ठीक है भाई, ठीक है चलो देखते कितना ज़्यादा खतरनाक है 400 लेवल का स्पाइनो यार। मुझे लग रहा है मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया गया गाइस यहाँ पे, 400 लेवल का भाई डायनो भाई, आ तू भाई जिंदगी पे भाई 400 लेवल का डायनो दे दी से लोग, क्या बोल सकते हैं गाइस अभी यार। देखते गाइस अभी बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा इतना ज़्यादा पावरफुल है, बट इसके स्टैट्स देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ही है, स्टैट्स देख के खाली, ठीक है। बाकी लुक देख लेना गाइस, आंखें तो गाइस जैसे बाहर निकले जा रही है गाइस इसकी, ये देखना आंखों से बाहर लाल लाल रोशनी निकल रही है, दिखने में नॉर्मल अल्फा स्पाइनो की तरह लग रहा है, कुछ स्पेशल एबिलिटी विबिलिटी मुझे बाहर ऐसा निकलते हुए नहीं दिख रहा है इसके, मतलब शरीर के अंदर से आग भी निकलते हुए नहीं दिख रही है। मैं इसको बड़ा करता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। ये हो जा बड़ा भाई, हो गया बड़ा, इधर आ, ये आ गया अपना अल्फा स्पाइनो 422 लेवल का, ठीक है। इसको लगा रहा हूँ मैं सैडल, लीजिए यार ये वाला सैडल नहीं लगेगा भाई को, भाई को लगेगा इस ये वाला सैडल, ये वाला अल्फा स्पाइनो का सैडल, रुको गाइस ये वाला सैडल लगेगा, गलत सैडल बना दिया। चलो देखते हैं गाइस स्पाइनो सर जी हमारे कितने ज़्यादा पावरफुल है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा सैडल, ठीक है अल्फा स्पाइनो का सैडल मैं इसको पहना देता हूँ और चलिए मचा दे तबाही, ठीक है। लुक भी आपको बाहर ही दिखा देता हूँ मैं स्पाइनो सर जी का भाई, प्लीज यार थोड़ा सा ऐसा वो हो रहा है, धक धक हो रहा है यार,
इतनी ज्यादा जो है ना गाइस मेहनत बॉस फाइट करने में नहीं करी है जितना इसका अंडा लेने में करी थी। और अगर ये बहुत लो लेवल का अंडा मिला है चलो, बट अगर इसका डैमेज घटिया निकला तो भाई बहुत दुख होगा। इवोल्यूशन है इसके अंदर? कोई इवोल्यूशन नहीं है। अटैक है, बाइट अटैक, लेफ्ट क्लिक पे, ऊपर नीचे सी पे, मुझे आग छोड़ रहा है काफी भाई, बड़ी बड़ी आगे छोड़ रहा है। अच्छा ये इसी का अटैक था, वो आग के साथ फायर बॉल भी छोड़ रहा है। कूल कूल कूल, खतरनाक, मतलब एक आग के साथ तीन तीन फायर बॉल छोड़ रहा है ये काफी ओपी अटैक लगा यार मेरे को, देखो गाइस खतरनाक भाई ओपी। और एक्स पे कंट्रोल पे कोई अटैक नहीं है, नाइस भाई खतरनाक, बोलते लेवल अप कर। मत बोला 300 मिलियन हो गया, 30 मिलियन हो गई, 30 मिलियन ठीक है, मतलब 100 मिलियन इजीली कर सकता हूँ मैं इसके। और 100 मिलियन हेल्थ भी भाई आपने देखा होगा डाउन करने में कितना टाइम लगता है, तो ऐसा मत समझना इसकी 100 मिलियन हेल्थ कर ली मतलब ये मर जाएगा भाई, मुझे उस 100 मिलियन हेल्थ डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसके पास खुद का स्पेशल एक आर्मर है, कौन मार के गया मेरे को, किसकी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे को मार के गया कोई। What the? 17 मिलियन, 400 लेवल का स्पाइन, 500 लेवल का स्पाइन अगर 17 मिलियन डैमेज दे सकता है तो गाइस, अगर मैं 800 लेवल का अगर मेरे को बच्चा मिलता है समझ लो तो उसका डैमेज कितना जाएगा, 25 मिलियन भाई, ये नेक्स्ट लेवल स्पाइनो है भाई, भाई स्पाइनो ओपी लिख डालो नीचे कमेंट में भाई, 17 मिलियन लिटरली। और गाइस ऐसा मत समझना, हाँ भाई 17 मिलियन डैमेज है यार क्या भाई, रुक जाओ ये हाइड्रेटेड, हाँ हाइड्रेटेड होने के बाद 17 मिलियन है, अगर ये हाइड्रेटेड नहीं है पानी के नजदीक नहीं है तो भी 14 मिलियन का डैमेज देगा। और फायर अटैक, ये नहीं फायर अटैक दिखा मेरे को, ये नहीं दिखा ना मेरे को फायर अटैक कितना दे रहा है, 1 मिलियन का फायर अटैक देगा प्लस एक्स्ट्रा साथ में बम भी छोड़ देगा भाई, क्या ओपी है स्पाइनो। गाइस अगला मिशन क्या होगा अपना बताएं, हाई लेवल के स्पाइनो को हैच करना, अल्फा वाले इंडोमेस रेक्स फिंडोमेस रेक्स सारे इसके सामने बच्चे हैं भाई, सारे बच्चे हैं गाइस। 17 मिलियन गाइस, मजाक कर रहे हो, वो भी 500 लेवल यार, 510 लेवल मैक्स लेवल करने के बाद ये 510 लेवल का हुआ है खाली, आप देख ही रहे हो गाइस इसका जलवा। और इसका आर्मर तो आपने देखा ही होगा, जब अंडा निकाल रहा था तो कितना मारना पड़ा था गाइस, तो आर्मर के बारे में तो आपको बता ही होगा इसके भाई, ओपी भाई। प्लस इसको मैं पानी के अंदर भी इजीली जो है ना गाइस चला सकता हूँ, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। अच्छा पानी में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम ही लग रहा है, चलो कोई ना, जमीन पे काफी तेजी से चला सकता हूँ इसको, और इसका डैमेज भी तगड़ा है भाई, वाह नाइस डियर, मजा आ गया यार, मजा आ गया। 17 मिलियन, 2 रुपए कटाओ पट्टे से 17 मिलियन भाई यार, वो मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा गाइस की इतना लो लेवल का डायनो इतना ज्यादा हाई डैमेज दे सकता है भाई। मुझे लग रहा है कि अपना नेक्स्ट बॉस किलर साबित होने वाला है भाई, बाकी इसका सैडल असेंडेड वाला बनाना है मेरे को, वो मैं बना डालूंगा ठीक है। इसका सैडल असेंडेड वाला बनाने का काम अपन चालू कर रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी, टेंशन नको लेना गाइस। मुझे एक बॉस दिख जाए कहीं पे, बॉस कहाँ पे था, मुझे एक बॉस चाहिए भाई, मैं बॉस को पेलना चाहूंगा गाइस इससे, नहीं आज नहीं कल पेलूंगा, आज भाई बेचारे का जन्मदिन है, अभी अभी भाई पैदा हुआ है, मैं नहीं चाहता आज इसका मरण दिन भी अपन को वो करना पड़ेगा ठीक है। सो इसलिए जो ना गाइस इसको आज भाई आराम से चलाते हैं, मस्त भी रखते हैं, बाकी फ्यूचर में देखेंगे कितना खतरनाक है, इससे फ्यूचर में बॉसेस को काफी ज्यादा खतरनाक वाले बॉसेस को बिड़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना गाइस भाई यार, ओपी है यार ये। अच्छा ऊपर बॉस है, अरे बच्चा है बच्चा, क्या म्यूजिक बजा रहे, क्या म्यूजिक बजा रहे, कौन सा बॉस है ये, कौन बॉस है, मर गया डोडो बॉस था, अरे डोडो बॉस की तो बैंड बजा के रख दी यार, बच्चा अपने सामने डोडो बॉस गाइस, खतरनाक बोल दे भाई, बोले तो बोल दू दबाई ना मेरी भाई, स्पाइनो ओपी लिख देना गाइस नीचे कमेंट में। और हमारे इस ओपी से स्पाइनो किले, अरे देथ वॉर्म भाई, देथ वॉर्म बीच पे बाहर निकल, करप्टेड थी, टेमेबल थी क्या ये, अरे भाई शायद से टेमेबल थी पता नहीं, लेकिन चेप तो डाला मैंने बिचारी को, अभी अभी क्या फायदा देख के टेमेबल थी या नहीं, बिचारी को चेप तो डाला मैंने। चलो गाइस घर पे चलते गाइस, मजा आ गया गाइस स्पाइनो को भाई यहाँ पे टेम करके। गाइस स्पाइनो के लिए एकदम धासू
खतरनाक और सबसे ज्यादा ओपी वाले नाम मुझे नीचे कमेंट में चाहिए, ठीक है? एकदम खतरनाक एंड ओपी वाले नाम चाहिए मुझे नीचे कमेंट में, ओके? और गाइज ये स्पाइनोसॉरस को रेटिंग देना हमने बंद करा था, बट गाइज 1 से लेके 10 तक ये ओनली 500 लेवल है इसकी, ठीक है? तो ये 500 लेवल का जो स्पाइनो है वो 1 से लेके 10 तक आपको कितने लेवल का लगा? मतलब 1 मतलब घटिया 10 मतलब ओपी, तो कितना पॉइंट देना चाहोगे इसको 1 से लेके 10 तक? नीचे कमेंट करना मुझे, ठीक है भाई? मजा आ गया भाई, सबसे पावरफुल स्पाइनो, वाह भाई मजा आने लाया भाई। चलो मिलते हैं फिर सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में। अभी आज का एपिसोड जो है ना गाइस हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इसी के साथ गाइस, ठीक है? मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। हाय हाय स्पाइन ओ भी बोलते यार। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.